सो वेल हे व्हाट्स अप एवरीबॉडी, आफ्टर मिस सीजन आई एम बैक विद अनदर वीडियो। तो ये जैसे ही काफ़ी टाइम बाद हम आए हैं डेविल किंग के ऊपर, आपको दिख ही रहा होगा। और आज हम काफ़ी बढ़िया तीन बाइक्स के ऊपर शूट करने वाले हैं, तीनों एक सेम ही ब्रांड की है। और आज हमारे साथ प्रिंस पाजी होने वाले हैं। तो पहले मैं आपको सारी बाइक की डिटेल दूंगा, फिर उसके प्राइजेस बताऊंगा, और आज हम एक बाइक का वॉक अराउंड भी लेने के लिए जाएंगे। और वो कौन सी बाइक है आपको जल्दी पता चल जाएगा। सारी बाइकों में एग्जॉस्ट लगा हुआ है आज, मतलब आवाज़ें फटाफट भरने वाली है। तो अभी हमारे साथ एक खड़ी है, एक बाइक यहाँ पर खड़ी है नीचे, एक यहाँ पे है और एक पीछे है। तो अभी वीडियो को पॉज करके गेस कर दो कि कौन सी तीन बाइक्स होने वाली है। तीनों जो है उस ब्रांड की, पर्टिकुलर ब्रांड की बेस्ट बाइक्स हैं। तो प्रिंस पाजी के पास चलते हैं, उनसे बात करते हैं, फिर सारी बाइकों की डिटेल्स लेते हैं। तो लेट्स गो। No, there ain't no stopping us. Fly without boarding pass. Couldn't catch me, I'll be moving fast. Call me a shooting star. Let them know who you are. Flying up and above. Wish on a star. Time to show them who's in charge. Call me a shooting star. आपको सिनेमैटिक शॉट्स का भी पसंद आए हुए तीनों भाई को भी। तो सबसे पहले क्या हाल है भैया? क्या हाल है भाई? एक नंबर। तो ऑलमोस्ट दो से तीन महीने तो हो गए फिर से आए हुए शॉप पे। बिल्कुल, आपके एग्जाम वगैरह चलते हैं, आना तो सही बात है, जरूरी है, स्टडी अपना, काम भी अपना जरूरी है। पर फिर भी जब हमने लास्ट वीडियो बनाया था उसमें भी जो हमने बाइक दिखाई थी मतलब एक्सक्लूसिव बाइक थी, और आज जो वीडियो बना रहे हैं उसमें जो तीन बाइकें खड़ी हैं वो मैंने आज से पहले दिखाई नहीं है तीनों बाइकें एक साथ, और जो वो तीसरी बाइक है वो तो वैसे भी कभी नहीं दिखाई। तो मतलब ये सारी जो एक्सक्लूसिव चीज़ें होती हैं वो आपको डेविल किंग पे ही देखने को मिलेगी, क्योंकि प्रिंस पाजी ये सारे अवेलेबल करवाते हैं। यूट्यूब की सारी जनता को पता है सेवा वाला दाम और चोरों वाला काम नहीं है। सही बात है, सही सभी डेविल किंग मशहूर है। और इन तीनों का प्राइस भी काफ़ी जेन्युइन होने वाला है, पर वो हम आगे वीडियो में आपको बताएंगे। तो पाजी पहले एक बार बता दो तीन कौन सी बाइक है हमारे पास। आपको फर्स्टली अपना निंजा 1000 मिल जाएगी मेरे पास, जो एडवेंचर टूरर आपकी आ जाएगी, एक ही हो गई। और एक आपको सुपर में मिल जाएगी आपकी अपना ZX Sena, वो यहाँ पे सबसे, हाँ सबसे जो फेमस है आज के टाइम में बाइक ZX Sena, दिल्ली में यही भरी हुई है वैसे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत डिमांड है, सिंगल ऑनर गाड़ी में पास है ये, और एक मॉडल। एंड एक आपको मिल जाएगी भैया ZX 14R, मतलब जो एक स्पोर्ट्स शोरूम में जो बीस्ट मोड आती है, बीस्ट मोड मतलब सबसे ऊपर टॉप में यही आती है, टॉप में यही आती है कावासाकी की, तो टॉप मतलब हाई सीसी, इससे ऊपर सीसी कावासाकी शायद प्रोड्यूस नहीं करती, प्रोड्यूस नहीं करती, इससे ऊपर सीसी प्रोड्यूस नहीं करती, पर इससे ऊपर बाइक तो प्रोड्यूस करती है, H2 आती है पर इससे ऊपर सीसी प्रोड्यूस ही नहीं होती। सो भैया सबसे पहले बात करते हैं इसके बारे में, जो हमारी स्पोर्ट्स टूरर है, तो इसके बारे में कुछ बता दो। 2019 मॉडल है ये, सबसे बेस्ट रेट रहेगा पूरी मार्केट का। मार्केट में लोग 9 लाख रुपए भी मांगते हैं इसके, 9.5 लाख रुपए भी मांगते हैं, क्योंकि रीसेल में जल्दी गाड़ी आती नहीं है। निंजा 1000 जो भी लेता तो उसको काफ़ी ज़्यादा मतलब राइड करके ही इसको देता है, मतलब 25-30-40 हज़ार किलोमीटर चला के ही देते, क्योंकि बाइक की वैसे ये कितनी चली हुई है, ये भी 10 हज़ार किलोमीटर के आसपास चली हुई है। 10 हज़ार किलोमीटर, हाँ जी, एक बार देख लेते हैं हम, आप उसमें दिखा देना शॉर्ट्स में सिनेमैटिक, ये आपकी 10,903 किलोमीटर चली हुई है, ऑलमोस्ट 11,000 टायर डला हुआ उसके अंदर मैक्सिस का, जैसे कि जनता हमारी देख पा रही है। 2019 मॉडल है ये, अपना फुल इंश्योरेंस आपको बाइक के साथ मिल जाएगी, फाइनेंस फैसिलिटी भी अवेलेबल रहेगी, और वो फाइनेंस फैसिलिटी ऑल ओवर इंडिया अवेलेबल है, सिर्फ दिल्ली के लिए ऑल ओवर इंडिया अवेलेबल है, बस आपका अपना ITR वगैरह या जॉब वगैरह की स्लिप चाहिए होती है, हमें 2 मंथ्स की जॉब स्लिप चाहिए, ITR चाहिए, दोनों चारों चीज़ें आपकी ठीक होंगी, लोन करवा देंगे ऑल ओवर इंडिया। इसके अंदर स्लाइडर्स लगे हुए हैं, और क्या लगा हुआ है इसमें? प्यूब के भी स्लाइडर लगे हैं, बाकी बाइक आपको स्टॉक मिलेगी, टायर आपको मैंने ब्रांड न्यू बताई दी है, 10,000 किलोमीटर गाड़ी चली हुई है, 2-3 लाख रुपये पेमेंट लेके आते हैं हम, 2-3 लाख रुपये लेके आते हैं, बाकी बाइक अपने घर पर लेके जा सकते हैं, और 6 लाख रुपए के आसपास देख सकते हो, एक स्क्रैच नहीं है गाड़ी पे, मैंने पूरा सिनेमैटिक्स में दिखाया, एक स्क्रैच नहीं है गाड़ी पे। और जो प्राइस होते हैं सारे नेगोशिएबल तो होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, जितना हो सके आस्किंग भी आप डेविल किंग पे आ जाएगी, आप पूरा सब यूट्यूब की इंडस्ट्री चेक कर लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं, 8,60,000 रुपए की आपको, 8,60,000, 2019 मॉडल निंजा 1000, दोबारा सुन लो मेरे दोस्तों, 2019 मॉडल सिंगल ओनर, 2019 मॉडल, 19 रजिस्टर भी, सिंगल मॉडल, और सिर्फ 10,000 भी चली हुई है। और बाकी इसके अंदर आपको कोई भी एग्जॉस्ट वगैरह चाहिए तो आप ये चेंज करवा सकते हो, पाजी प्रोड्यूस करवा देंगे, मतलब कहीं से भी लेना हो आपको, अगर आपको कुछ भी करवाना अवेलेबल करा देंगे, लॉट करवाना तो वो करवाओ। तो इसके बाद अब किसकी बात करें? इसके बाद भी हम 10R पे आते हैं, 10R पे आते हैं, 1000 के बाद हम आते हैं कावासाकी ZX 10R के ऊपर। तो पाजी इसकी क्या डिटेल्स होने वाली है? ये भैया आपका 2018 मॉडल है, ओके, सिंगल ओनर है,
दिल्ली नंबर है, दिल्ली नंबर है एंड देन 9-10,000 किलोमीटर के आसपास चली है, 10,000 किलोमीटर के आसपास चली है, देखा था इसके एग्जॉस्ट लगे हैं, आपने सिनेमैटिक से दिखाई दिए होंगे और बाकी इसकी जो फाइनेंस फैसिलिटीज़ वगैरह होने वाली हो तो सब बाइकों पे हो ही जाएगी, वो बिल्कुल हो जाएगी, इसमें आप 3-4 लाख रुपये लेके आते हैं, बाकी अमाउंट आपका फॉर जाना फाइनेंस करते हैं। और 2018 मॉडल है तो जैसे कि अभी हमने इसका एग्जॉस्ट नोट सुनाया आपको तो काफ़ी बढ़िया था वो, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको कैसी लगी आवाज़, क्रैकलिंग भी कर रही थी थोड़ी सी बाइक। तो बाकी अब चलते हैं इस बाइक की प्राइस के ऊपर, 2018 मॉडल है ये, तो भाई जैसे आप बात करते हो सेवा वाला प्राइस, सबसे कम प्राइस, मतलब मार्केट की कंपेरिजन में आप सबसे बेस्ट प्राइस देते हो, तो इसका क्या प्राइस होने वाला है आप बताओ भैया, क्या दाम होना चाहिए? आपने आज तक मेरे से इससे पहले भी शूट करी है, इससे पहले भी शूट करी है वगैरह, टेनर वगैरह मैंने करी है, 3-4 बार करी है टेनर शूट, तो प्राइस होता है अराउंड 14 लाख से अब अभी होता है, 14 लाख हो गया, 14-50 हो गया, बाकी वो नेगोशिएबल होता है थोड़ा बहुत और लोग ले भी जाते हैं, पर आपने क्या प्राइस रखा है? आप जो प्राइस बता रहे हैं यहाँ पे 1 लाख रुपये उससे सस्ती मिल जाएगी, 13.5 लाख रुपये आस्किंग है, ऑन टेबल नेगोशिएबल है, जो छोटी मोटी यहाँ पे आपको पता है यहाँ पे इतनी लंबी नेगोशिएबल नहीं होता कि आप 1 लाख रुपए पेटी तोड़ते हैं, 2 पेटी तोड़ दो, वैसे एक पेटी तोड़ दी आपने, हाँ, वो वाले यहाँ पे कोई नेगोशिएट नहीं होता, यहाँ पे जो रहते हैं बेस्ट प्राइसेस रहते हैं एंड मेरी जो डील है वो प्राइसेस के आसपास ही जाता है। और जो आप बताते हो कि आप गिफ्ट्स वगैरह भी देते हो, तो आप अगर बाइक ले जा रहे हैं कोई तो वो जो दो चीज़ें आते हो, टंकी फुल या सिरेमिक कोट, आपकी वीडियो के थ्रू आता है मेरे पास, सो देन आपको अपना अपना सिरेमिक कोटिंग प्रोवाइड करा सकते हैं, ओके, एंड देन हम उसको यहाँ फ्यूल टैंक फुल करा सकते हैं, तो आपकी मर्जी आपको दोनों में से क्या चाहिए, बाकी आप चलते हैं नेक्स्ट बाइक की तरफ। वाला मतलब चीज़ नहीं बोलता, जो आप ही से पैसे लेके आप ही को गिफ्ट करो, सही बात, मैं इसके साथ बोल दूँ कि नहीं भैया इसकी सीट फ्री है नहीं, यहाँ कुछ चीज़ ऐसी फ्री है तो वो आपसे ही पैसे लेके और इसके ऊपर बढ़ा दूँ तो कोई फायदा नहीं, मतलब इस बाइक के साथ जो जो चीज़ आई है वो आप, मैं बाइक का प्राइस कर दूँ कि भैया 15 लाख है कि 4-2 फ्री है, तो बात तो वही बढ़ गई ना भैया, 1.5 लाख रुपये आपसे मैंने ले लिए, बाकी इसका स्टॉक एग्जॉस्ट के साथ मिलेगा, स्टॉक एग्जॉस्ट इसके साथ मिलेगा भैया, यहाँ पे जो मेरे पास एग्जॉस्ट जिस बाइक के आते हैं वो साथ में मैं आपको प्रोवाइड कराता हूँ, उसमें कोई ये नहीं रहता कि एग्जॉस्ट अलग भेज दिए ये अलग कर दिया, और जो एग्जॉस्ट ओरिजिनल आते हैं ओरिजिनल दिखाते हैं, तो इसमें वो नहीं, कई लोग होते हैं आफ्टर मार्केट भी लगाते हैं, सही बात है, बाकी ये फुल सिस्टम लगा हुआ है इसके अंदर, ये फुल सिस्टम लगा हुआ है, आवाज़ ही बता सकते हैं, डीकैट और वो जो एग्जॉस्ट स्टॉक वो आपको साथ में इसके जैसे आता है वैसे ही मिलेगा, कॉम्प्लीमेंट्री कहना तो बनता नहीं, सही बात, क्योंकि इसके साथ मेरा आया, अब जिस कस्टमर ने दिया उसको तो मतलब नहीं कि मैं एग्जॉस्ट अलग बेची वो करूँ, तो वाले कामों में ना मज़ा नहीं है, बरकत नहीं आती, सही बात, मतलब आपने काम करना एक अच्छे वे में आप काम करो, ऐसा नहीं कि आप वो सामान अलग बेच रहे हो सामान अलग बेच रहे हो, तो अब चलते हैं नेक्स्ट बाइक की तरफ, नेक्स्ट बाइक हम 49 लेना बस। यहाँ का आप इंस्ट्रूमेंटल क्रिस्टल देख सकते हो, ये KBC और KTRC कावासाकी ट्रैक्शन कंट्रोल, और ये पूरा मतलब बेस्ट इंस्ट्रूमेंट क्रिस्टल आता है कावासाकी के अंदर, और इसके अंदर काफ़ी सारे मोड्स होते हैं, यहाँ से आप सारे मोड सेट कर सकते हो, यहाँ से आप अपनी लैप सेटिंग सेट कर सकते हो, बाकी इस साइड जो इग्निशन सीक्वेंस के बटन्स हैं, बाकी मोर ओवर इसके अंदर और कुछ नहीं आता, यहाँ पे न्यूट्रल की लाइट जलती है, बाकी इसकी आवाज़ आपने सुन लिया, इसकी आवाज़ आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। गाइस ये है हमारा कावासाकी 14R का इंस्ट्रूमेंटल क्रिस्टल, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे कावासाकी की बैजिंग आती है सबसे पहले, इसके अंदर एवरेज भी बताता है, आपको एवरेज बता रहा है अभी 14 किलोमीटर पर लीटर के हिसाब से, और इसके अंदर मैक्स स्पीड आपको 280 किलोमीटर तक, मतलब कंपनी लिख के देती है पर आगे मीटर है, मतलब 300 तक चली जाती है इजीली बाइक। और इस बाइक की कंडीशन अगर मैं आपको दिखाऊं तो देख सकते हो स्क्रैचलेस कंडीशन में है पूरी बाइक, इसके अंदर ज़्यादा कुछ सामान नहीं लगा हुआ, इसके अंदर स्लाइडर्स लगे हुए हैं और इसके अंदर सिल्वर रेसिंग के 2 ब्रदर्स के एग्जॉस्ट लगे हुए हैं, बाकी इसकी आवाज़ जो होती है काफ़ी बेसी होती है, यहाँ पे 14R की बैजिंग है, और ये है हमारी 2014 मॉडल और इसका आस्किंग प्राइस है 10.5 लाख रुपये, देख सकते हो आप ये बाइक की पूरी कंडीशन आप देख सकते हो पास से, मिंट कंडीशन में यह बाइक है, 2014 मॉडल है, 2014 रजिस्टर, और आप देख सकते हो एक नंबर बाइक है, हमारे पास एक काफ़ी तगड़ा लाइनअप है, उसके ऊपर हम आपको जल्दी ही लेके आएंगे, तो लेट्स एंड अप दिस वीडियो। यही था हमारा
आज का वीडियो इन तीनों कावासाकी की बाइक्स को लेके, एक थी हमारी फोर्टीनर, एक थी हमारी निंजा 1000। और गाइस आपने तीनों के प्राइजेस देखे, तीनों के प्राइजेस मैं यहाँ पे फ्लैश भी कर दूंगा मॉडल्स के साथ। तो अगर आपको कोई भी बाइक पसंद आती है तो पाजी को एक कॉल करो या और आपका जो नंबर है ना डेवल किंग्स का वो नीचे आ जाए, क्योंकि कई लोग होते हैं ऐसे कि फोन पे वीडियो नहीं देखते, टीवी पे देखते हैं, एंड्रॉइड टीवी वगैरह पे, तो वो नहीं आता। नहीं, यही कहीं चल रहा होगा, नीचे नंबर हम चला देंगे तो उसमें सारा आपका आ जाए। और बाकी यहाँ पे मेरा इंस्टाग्राम आ रहा होगा, यहाँ पे पाजी का इंस्टाग्राम आ रहा होगा, तो वहाँ पे जाके जरूर फॉलो करें। सबसे पहले अपडेट वहीं पे आता है, अगर कोई भी नई बाइक आती है या कोई भी कार है ना, कार से भी डील करते हैं, कोई कार वहाँ पे आती है, बिल्कुल हर चीज़ वहाँ पे आती है। तो अगर WhatsApp पे आप अगर पाजी को पिंग करते हो अलाउंस, एक घंटे दो घंटे में आप उनको रिप्लाई कर दो, बिल्कुल। और बाकी सारे प्राइस ऑन टेबल नेगोशिएबल है। नेक्स्ट वीडियो कौन सी देखना चाहते हो हमें ज़रूर बताओ, हमारे पास हार्डलीज काफ़ी सारी हार्डलीज हैं, तो कमेंट में ज़रूर बताओ हार्डली देखनी है नहीं देखनी है। अगर आप चाहोगे तो हम हार्डली भी ज़रूर दिखाएंगे। बाकी जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे ट्यून्ड, दिस इज मिश्रा व्लॉग्स विद प्रिंस पाजी, वी आर साइनिंग आउट टुडे, टिल देन बाय-बाय।